अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? यार आज का व्लॉग हम लोग नीचे स्टार्ट करेंगे। एक दो चीज़ें आपको नई दिखानी है जो कि आई हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ऊपर चलेंगे। हमने अपने ऑस्ट्रेलियन सेल कर दिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये फिंचेस ले ली। फिंचेस इसलिए ली हैं क्योंकि मुझे फिंचेस पसंद काफ़ी ज़्यादा हैं। ये आवाज़ बड़ी खूबसूरत निकालती हैं और छोटी छोटी सी प्यारी बहुत ज़्यादा लगती हैं। देखिए माशाल्लाह, ये अभी फ़िलहाल दो पेयर्स ली हैं, इंशाल्लाह और भी लेंगे। बाकी अगर इनकी चीज़ों की बात की जाए, इनका तो आपने बड़ा देखा होगा, करीब से आपको दिखाता हूँ। तो ये है कि ये अभी चूज़े बीमार हो गए थे, वीडियो शीडियो इनकी लगाई थी तो आगे ये बीमार हो गए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतरी ही आ गई है चीज़ों के अंदर। ये ख़ास तौर पे जो ब्लैक वाला है ये तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था। बाकी ये भी हैं, ज़्यादा थे लेकिन कुछ इनमें से मर गए हैं। तो इधर देखें इनको कैसे छलांगे कैसे मारते हैं। अभी एक हम लोगों का चकोर का बच्चा भी निकला है, वो इनके साथ छोड़ा था लेकिन बस ये उसको तंग कर रहे थे, इस वजह से वापस उसको इंक्यूबेटर के अंदर डाल दिए। बाकी दोबारा फिंचेस देखें, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं। ये जी अभी छत पे आ गए हैं, इधर पहले नज़र मार लेते हैं। ये एक बैच, फिर ये सेट छोड़ा हुआ है। ये मुर्गा डरता है बाकी मुर्गों से और मेरे से भी, इस वजह से इसको अलहदा मुर्गियों के साथ छोड़ दिए ताकि इसका इधर डर थोड़ा ख़त्म हो जाए। बाकी ये जो दोनों मुर्गियाँ हैं, दोनों माँ बेटियाँ हैं दोनों। ये जो माँ है जावे रंग के अंदर मुर्गी, तख्ती वगैरह देखें माशाल्लाह से मादियों की, अभी ये प्रॉपर सीधी नहीं खड़ी। बाकी ये है कि इनको भी सबको दाना पानी डालते हैं वीडियो के अंदर ही। अभी बाहर चलते हैं, वो बकरी काफ़ी देर से वेट कर रही है, इसने मेरे ख्याल से इधर पाँव शो मार के चारा दूर कर दिया था। बाकी पहले इसका ये पुराना चारा ज़ाया करेंगे क्योंकि इसके अंदर इसकी मेंग नहीं है। तो ज़ाया हम लोग बेसिकली इधर कंपोस्ट बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं घर की, तो सारा कुछ इसके अंदर डाल देते हैं। ये भी कल का पड़ा हुआ है, ये सारा बाद में मिक्स कर देंगे ताकि इसके अंदर ये ख़त्म हो जाए। हमारा बर्तन भी आ गया जिससे दाना डालना है। बाकी इधर से लेंगे पहले भूसा और ये जी मैं तो इसी तरह ही बनाता हूँ। अगर आप में से कोई भाई हैं जिन्होंने बकरियाँ रखी हुई हैं तो अगर मैं भूसा, क्योंकि मैंने इससे पहले तो कभी रखी नहीं है बकरी, अभी रखी फर्स्ट टाइम, तो ये है कि मुझे जिस तरह बेहतर लगा मैं अब उस तरह बना लेता हूँ। बाकी जी ये वंडा है, ये इसके अंदर डालेंगे दो, ये वाले बर्तन भूसे के डालें, एक बर्तन वंडे का डाला है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, इंशाल्लाह जब अगली बार वंडा बनाऊँगा तो आपको बताऊँगा मैं क्या क्या डालता हूँ। बाकी अगर मैं कुछ चेंजिंग करनी चाहिए इसके अंदर तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वेट कर रही थी, अभी इसके सामने रख देते हैं। बक्को खा लो, इसका नाम बक्को है। वापस स्टोर में आ गए हैं, इधर से देसी मुर्गियों की फीड लेंगे, अभी डाल देते हैं, देखते हैं अगर तो ज़रूरत पड़ी तो वो डाल देंगे। ये इनको देखें, इनको कल डाली थी रोटियां भिगो के शाम के टाइम, तो इन्होंने रोटियां वगैरह तो काफ़ी हद तक नहीं बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। बाकी इधर जो बर्तन के अंदर इनकी फीड डाल दी है, पानी भी इनका ख़त्म हो गया, पानी भी इनका नया डाल देते हैं। देसी मुर्गियों को पानी भी रख दिए। बाकी अब आपको एक बात बताता हूँ, एक न्यूज़ टाइप कह लें या फिर एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए। ये इस टाइम अंडे रखे हुए हैं मुर्गी के नीचे, आई थिंक 8 अंडे हैं, 3 4, हाँ जी 8 अंडे हैं। तो ये है कि
इसको इन अंडों के अंदर से बच्चे निकलने में भी 9 या 10 दिन पड़े हुए हैं। तो अगर तो इनके बच्चे निकलने तक हम लोगों के सब्सक्राइबर 500 कंप्लीट हो गए तो इंशाल्लाह आगे मैं अपने असीलों के, अब आप लोगों ने बताना है कि इसमें दो तरह, दो मुर्गों मुर्गियों के अंडे रखे हुए हैं, एक इस मुर्गी के हमारे शजरे मुर्गे के साथ और एक ये शामू क्रॉस हमारी मुर्गी के इधर हमारे चीने के साथ, लखे के साथ। ये तो आपने देखा है मुर्गा हम लोगों का, अभी वो उसका भी शजरे का भी मैंने शॉट लगाया था। बाकी ये है कि इंशाल्लाह इन अंडों में से जो बच्चे निकलेंगे उस टाइम तक अगर हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए तो मैं आपको, आप में से किसी एक भाई को इसके, इनमें से दोनों असीलों में से किसी एक असील के दोनों में से एक एक, दोनों जोड़ों के बच्चों में से एक एक बच्चा जो है गिव अवे करूँगा। बाकी अब आप लोगों ने देखना है, सपोर्ट करना है और चैनल को जल्दी से जल्दी ग्रो करवाना है। बाकी अभी दाने के लिए आई थी, थोड़ा बहुत घूम फिर लेगी, इसको थोड़ी सी देर के लिए खोल देते हैं, अगर आना चाहेगी तो आ जाएगी बाहर, थोड़ी सी देर के लिए बाहर फिर लेगी ना ये, इसकी टांगे खुल जाएंगी। ये पिछले 7-8 दिन से इसी केज के अंदर है। बाकी आगे चलते हैं, दाना तो सबको ही डला हुआ है, ये दाना नीचे भी डला हुआ है, इधर भी मुर्गी को डला हुआ है, इनका ख़त्म होने वाला है, इनको भी डाल देंगे, इसका भी तकरीबन ख़त्म होने वाला है, इसको भी डाल देंगे। ये जी मुर्गा देखें, माशाल्लाह बताएं कैसा मुर्गा है, ये पट्ठा है अभी छोटा, इसकी उम्र तकरीबन 1-1.5 साल होगी डुकों के अंदर है। बाकी ये है कि ये है बहुत खूबसूरत, फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा कुरीज़ के अंदर है, इंशाल्लाह जैसे ही कुरीज़ कंप्लीट करेगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह का है। बाकी इसका भी दाना शाना है कुछ हद तक, इंशाल्लाह दाना बाकियों को करता हूँ जिनका नहीं है उसके बाद आपको बताता हूँ। बाकी इधर भी एक मुर्गी है, इसका भी दाना नहीं है, इसको भी दाना करेंगे। ये भी आपने देखी होगी चीनी मुर्गी है हमारी, शजरे मुर्गे के साथ लगाई हुई थी पहले। दाना ले लिए, पहले अंदर वालों को डाल देंगे, इस सेट को पहले दाना डालेंगे, इनका बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ दाना। हाँ जी इनके लिए इनफ है, बाकी बचा हुआ इधर चूज़ों को डाल देंगे। ये भी गिराते बहुत ज़्यादा हैं दाना है चूज़े और खाते कम है। ये इनकी ट्रे देखें, ट्रे में इनकी पहले भी साफ़ की थी तो अंदर से दाना काफ़ी ज़्यादा निकला था। बाकी ये भी दाना ले चलते हैं, जिन जिन को कम है उनको डाल देते हैं। अच्छा जी ये जोड़े को दाना डाल रहा था, देखिए जोड़ा वैसे आपने पहले भी देखा होगा, स्लेटी मादी साथ ये लखा चीना वगैरह, इन्होंने माशाल्लाह आज अपना चौथा अंडा दे दिया। बाकी मेरे जोड़ों के अगर किसी भाई को अंडे चाहिए या बच्चे चाहिए तो बताएं, इंशाल्लाह आपको अंडे भी मिल जाएंगे और बच्चे भी मिल जाएंगे। बाकी कार्गो शार्गो की ज़रा फैसिलिटी नहीं है शहर से बाहर, लाहौर से बाहर, तो ये है कि अगर किसी भाई ने बाहर से लेने हैं और उनका कोई जानने वाला दोस्त रिश्तेदार कहीं रहता है यहाँ लाहौर में तो उसको भेज के तो मेरे से अंडे भी ले सकते हैं और बच्चे भी ले सकते हैं। ये देखें जोड़ा किल्ली ताजा ना रहे, बाकी चेहरा चेहरा देखें मादी, थोड़ी सी फोकस करके दिखा देता हूँ, देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाना पानी तो सबको कर दिया है, इसको भी दाना डाल दिया है, पानी सबको डला हुआ था कल का, कल शाम को डाला था। तो बाकी ये मुर्गी वापस नहीं बैठी अंडों पे, अभी भी इसको छोड़ा है तो इंशाल्लाह 5-10 मिनट में बैठ जाएगी, थोड़ा दाना शाना खा ले पानी पी ले। तो बाकी अंडा भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, इस जोड़े के 4 अंडे हो गए मेरे पास और बाकी काफ़ी सारे अंडे दूसरे जोड़ों के आए थे, इंक्यूबेटर एक नया लिया था मैंने, तो बाकी हो सकता है इंक्यूबेटर का मसला हो सकता है, जो आजकल मौसम ख़राब हुआ है उसकी वजह से बच्चे वगैरह सही ना निकले हों। तो ये है कि अंडे मेरे काफ़ी सारे ज़ाया गए हैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। तो अभी फ़िलहाल आखिरी जो ये बाकी मुर्गों के अंडे थे वो 8 अंडे इसके नीचे रखे हुए हैं मुर्गी के नीचे,
अब देखें फर्टाइल तो सारे हैं, जितने अंडे हैं 8 के 8 सारे फर्टाइल हैं। बच्चे कितनों में से निकलते हैं नमी गर्मी बारिश की वजह से वो अल्लाह जानता है। बाकी आज का व्लॉग जी इधर ही एंड करते हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आगे किसी और दिन अच्छे और नए व्लॉग के साथ आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।